नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। लंबे समय बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित इन इलाकों में बारिश हो रही है। यहां पर एक ट्रफ रेखा बनी हुई है जो बे ऑफ बंगाल से लगातार मॉइस्चर अट्रैक्ट कर रही है। इसके चलते अनुमान है कि आज भी पश्चिम बंगाल में बांकुरा, पुरुलिया, मिदनापुर से लेकर झारखंड में बोकारो, रांची, हजारीबाग, ओडिशा में भुवनेश्वर, कंधमाल, गंजम, छत्तीसगढ़ में रायपुर, राजनांदगांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और तेलंगाना में हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल और आसपास के शहरों में आज भी गर्जना के साथ बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा साउथ इंडिया में बेंगलुरु सहित केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर थंडरी वेदर के साथ हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। देश के बाकी हिस्सों की अगर बात करें तो सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के रिमेनिंग पार्ट्स के अलावा उत्तर भारत के इलाके कड़ाके की ठंड की चपेट में बने रहेंगे, क्योंकि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं आज भी अपना असर बनाए रखेंगी। इन हवाओं के कारण पुणे, नासिक, सूरत, भोपाल, इंदौर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, लुधियाना और देहरादून सहित इन भागों में तमाम शहरों में सुबह के तापमान में गिरावट होगी, जिससे सर्दी कुछ और बढ़ सकती है। इस बीच कश्मीर के करीब से एक पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भागों में जा रहा है। सिस्टम के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, केलांग, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री तथा गंगोत्री जैसे ऊंचे स्थानों पर हल्की बर्फबारी आज भी हो सकती है। वैष्णो देवी में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन शीतलहर का प्रकोप भक्तों को परेशान कर सकता है। अनुमान है कि 30 जनवरी को फिर से एक एक्टिव WD उत्तर भारत में आएगा, जिससे इस महीने के आखिर में पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी और दिल्ली सहित मैदानी शहरों में बारिश फिर से देखने को मिल सकती है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।